भारतीय कल्चर में कई सारी ऐसी परंपरा है जिनका आज भी हम पालन करते हैं, बट हम उसे क्यों करते हैं इसके पीछे का विज्ञान हमें पता नहीं होता। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में कवर करेंगे हम भारत की पांच ऐसी परंपराओं को जो हम मोस्टली फॉलो करते हैं। दिस इज द पार्ट वन ऑफ सीरीज हिंदुत्व एंड साइंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने डेली अपनी माँ को तुलसी के पौधे की पूजा करते हुए देखा एंड हम भी डेली तुलसी को जल चढ़ाते हैं और ये परंपरा हर हिंदू परिवार सदियों से वर्षों से फॉलो करता है। क्या तुलसी प्लांट लगाना ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक महत्व है? लेट्स अंडरस्टैंड। हाल फिलहाल में जो भी डिस्कवरीज हुई है उसे मैं बाद में शेयर करूँगा, उससे पहले जान लेते हमारे दादा दादी हमारे पूर्वज तुलसी के बारे में क्या कहते थे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तुलसी प्लांट इज एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंड इट हैज़ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जो हमें वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाता है। कंजम्पशन ऑफ तुलसी डेली हमें सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचाता है। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ तुलसी हमारी बॉडी में एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही तुलसी प्लांट इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। तुलसी प्लांट का घर में होना घर के एनवायरमेंट को प्यूरीफाई करता है एंड इट क्लियर्स द ऑरा। सूर्य ग्रहण के समय जो भी निगेटिव एनर्जी जो स्काई और यूनिवर्स से जो आती है वो इनएक्टिव हो जाती है जैसे ही वो तुलसी के प्लांट के सामने आ जाती है। दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रियलिटी। आपने देखा ही होगा कैसे हमारे घर में सूर्य ग्रहण के समय हर बर्तन जिसमें पानी या अन्न रखा हो उसमें तुलसी के पत्ते को डालते थे। सालों पहले से ही हमारे पूर्वजों ने इसके बेनिफिट्स को जान लिया था एंड इसीलिए ये परंपरा बनाई कि हर हाउस में तुलसी का प्लांट हो। माना हमारे माता पिता अनपढ़ थे बट वो तब भी हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वे अपनी परंपराओं को सम्मान करना जानते थे और उसे फॉलो करना भी जानते थे, बट हम सो कॉल्ड साइंटिफिक वर्ल्ड में एंड दैट्स व्हाई हम सब इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं एंड पागलों की तरह वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब दुनिया में साइंस नाम की कोई चीज भी नहीं थी तब से हमारे पूर्वज उन चीजों को फॉलो करते हैं। हमारे ऋषि मुनि इस बारे में क्या कहती यह तो जान लिया, अब जानते हैं कि साइंस क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस कंज्यूमिंग तुलसी लीव्स एवरीडे इन अ टी इंक्रीजेस इम्यूनिटी प्रिवेंट डिसीज एंड बैलेंस द बॉडी सिस्टम। तुलसी ऑल्सो प्रिवेंट इंसेक्ट मॉस्किटो एंड स्नेक फ्रॉम एंटरिंग टू द हाउस। ओके सेटिस्फाइड हो गया क्लियर। तुलसी का महत्व हिंदुओं में अतुलनीय है। दिन की शुरुआत ही तुलसी माता की पूजन से होती है, यहाँ तक कि तुलसी की माला भी बनाई जाती है जो खासकर भगवान श्री कृष्ण को पहनाई जाती है एंड स्पेशली इन वारकरी संप्रदाय तुलसी माला का अपना महत्व है। पंढरपुर में आपको हर वारकरी तुलसी माला पहने नजर आ जाएंगे। वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बालपन व्यतीत किया, क्या आपने कभी सोचा है उस जगह का नाम सिर्फ वृंदावन ही क्यों है ना कि कृष्णावन? व्हाई इज वृंदावन, व्हाई नॉट कृष्णावन? वृंदा ये तुलसी का ही दूसरा नाम है। वृंदा मीन्स तुलसी और वन मीन्स फॉरेस्ट और इसलिए नाम बड़ा वृंदावन। हर हिंदू अपने फोरहेड मींस मस्तिष्क पर तिलक लगाता है, बट क्यों? क्या ऐसे ही? क्या है इस रिचुअल के पीछे का साइंटिफिक रीजन? सो लेट्स अंडरस्टैंड। तिलक हमेशा माथे पर दोनों आईब्रोज के मध्य में लगाया जाता है जहां पर अजन चक्र होता है और यहां तिलक लगाने से हमारा फोकस बढ़ता है और बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखने में यूजफुल होता है। सदियों से हमारे पूर्वज इस परंपरा को फॉलो करते और वो खास कर चंदन हल्दी और केसर का यूज तिलक बनाने में करते थे और ये सब काफी इफेक्टिव है। साथ ही कुमकुम का भी यूज तिलक बनाने के लिए होता है और ये सब काफी इफेक्टिव होता है जब हम इसे फोरहेड में लगाते हैं और यही रीजन है कि वुमेन्स भी सेम जगह पर बिंदी लगाती है। तिलक लगाना कोई दिखावा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की देन है और इसीलिए स्त्री हो या फिर पुरुष दोनों अपने माथे पर तिलक लगाना नहीं भूलते। आईब्रोज के बीच प्रेजेंट अर्जुन चक्र को थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं और यहाँ पर अपनी उंगली से तिलक लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन इन सबको दूर करता है और जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं और जहाँ कोई तालाब या कुंड होता है देन लोग उस कुंड में सिक्के फेंकते हैं। वेल क्या इसके पीछे का कारण? क्या ज्यादा पैसा है लोगों के पास? तो बॉस ऐसा है, पुराने जमाने में हर गाँव में मुख्य मंदिर के पास कुंड या तालाब हुआ करता था जिसे लोग पवित्र मानते थे और उसे ही पीने के पानी के लिए यूज करते थे। उस जमाने में सिक्के मेनली गोल्ड सिल्वर या फिर कॉपर के होते थे। तब कॉपर के सिक्कों को पानी में फेंकने से वो वाटर को बैक्टीरिया फ्री करते थे और गोल्ड एंड सिल्वर ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है इसीलिए कुंड के पानी की क्वालिटी बढ़ती थी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए यूजफुल थी। और सेकंड रीजन, जब भी गाँव में कभी अकाल पड़ता या फिर सूखा पड़ता तब लोग इन्हीं सिक्कों को एज अ रिलीफ फंड यूज करते। बट आज के वर्ल्ड में इसका कोई साइंटिफिक यूज नहीं है, आज के समय में यह एक वेस्ट से कम नहीं है।
समय बदल गया बट क्या नहीं बदला, वह परंपरा। मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़ा बट वो सनातन धर्म और उसके कल्चर को, उसकी नींव को हिला नहीं सके। व्हाट इज योगा? योगा बेसिकली मींस अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी और इस बॉडी को कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइन करना। हम योग में बॉडी को 114 चक्र समझते हैं, विच इंक्लूड्स 72,000 नाड़ी जो 114 जंक्शन में आके एक दूसरे से मिलती है, जिसे हम चक्र कहते हैं। द जंक्शन इज चक्र। इन 114 चक्रों में से 2 चक्र हमारे बॉडी के बाहर होते हैं और 112 हमारे शरीर के भीतर, और इन 112 चक्रों में से 4 चक्र ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो दूसरी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अगर बाकी सिस्टम, बाकी चक्र वर्क करेंगे तो फिर वे भी उसी के साथ वर्क करेंगे। सो बचे 108 चक्र जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स सिर्फ 108 थिंग्स ही ऐसे जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल है अगर हम इंसानी शरीर पर महारत हासिल करना चाहते हैं। और यही रीज़न है 108 ये एक साइंटिफिक नंबर है। अगर कोई भी मंत्र बोलते तो उसे 108 बार बोलते हैं, कोई भी बीट हो तो भी 108 बार वर्क करती है। रुद्राक्ष की माला होती है वो भी 108 रुद्राक्ष ही बनी होती है, और ये पूरी यूनिवर्स पर लागू होता है। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज 108। चलो इसे यूनिवर्स के नज़रिए से देखते हैं। जब एक परफेक्ट सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को एग्जैक्टली कवर करता है, ना थोड़ा कम ना ही थोड़ा ज़्यादा। वैसे चंद्रमा सूर्य के कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटा है, बट फिर भी वो दोनों सेम पोर्शन कैसे कवर करते हैं? बिकॉज चंद्रमा का डायमीटर और चंद्रमा का पृथ्वी से अंतर का रेशियो एंड सूर्य का डायमीटर और सूर्य का पृथ्वी से दूरी का रेशियो, ये दोनों सेम है और वो है 108। विच मीन्स पृथ्वी के डायमीटर का 108 गुना सूर्य का डायमीटर है और सूर्य के डायमीटर का 108 गुना सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। ऑन द सेम सेंस चंद्रमा के डायमीटर का 108 गुना पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है। इसे और ब्रॉडर सेंस में समझते, जिस तरह से पृथ्वी के सन के अराउंड घूमने वाले ऑर्बिट को बांटा गया है, अगर उसको भी ऑब्जर्व करने जाए तो उसमें भी 108 ही मौजूद है। वो कैसे देखते? पृथ्वी के सूर्य के अराउंड घूमने की स्थिति अलग अलग होती है और इसी स्थिति को नक्षत्र कहते हैं, और इन टोटल ऐसे 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र लूनार साइकिल का हाफ होता है। 2 नक्षत्रों को 4 पदों में बांटा गया है और एक वर्ष में 27 × 4 मीन्स 108 पद होते हैं। आ गया ना फिर से 108। सो इन यूनिवर्स जो कुछ भी प्रेजेंट है उसका बेस 108 ही है। क्या है ओम का महत्व? सनातन में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और भी कई मंत्रास है जो ओम के उच्चारण से ही शुरू होते हैं। अब जब ओम को इतना महत्व दिया जाता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही ना, तो आइए जानते हैं। हमारी बॉडी सिर्फ 3 साउंड का उच्चारण कर सकती है। अगर हम इस टंग को निकाल दे या फिर उसे स्थिर रखे, उसका यूज ना करें, तो हमारी बॉडी सिर्फ 3 साउंड को बोल सकेंगी। वो है अ एंड म, मीन्स अ एंड म। ये हर साउंड का बेसिक है और टंग का यूज है वो इस 3 साउंड को मिक्स करके वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है, बट बेस तो सेम ही है ना, जो है 3 साउंड। वी नो दैट वेर एवर देयर इज अ वाइब्रेशन देयर इज अ साउंड, और साउंड है तो कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस भी जरूर है। साउंड म्यूजिक ये डायरेक्टली हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते, यकीन नहीं होता तो याद करो, जब भी आप कोई डांस सॉन्ग सुनते हो तो क्या आपका भी मन डांस करने के लिए एक्साइटेड नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। ये सिर्फ डांस के सॉन्ग पर लागू नहीं होता बल्कि हर तरह के म्यूजिक, हर तरह के बीट्स पर लागू होते हैं। जैसा म्यूजिक जैसा बीट्स वैसा ही आपका इमोशन। बट जो भी हो, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट साउंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो जब भी हम साधना में जाते हैं या फिर योग करते, देन हमारी पहली स्टेप है जस्ट शट अप और बाहरी साउंड पर ध्यान देना बंद करें, और इसके बाद उच्चारण करते हैं ओम का। और ये ओम हमारी बॉडी के 3 मेन प्रोसेस, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी फॉलो करती है। जनरेशन जो पूरा ब्रेन का पार्ट होता है, ऑपरेशन जो चेस्ट से लेकर स्टमक का रीजन, और डिस्ट्रक्शन जो लोअर बॉडी पार्ट होता है। तो ओम ये बेसिकली हमें अपनी बॉडी से जोड़ता है, एंड अगर आप डेली ओम का उच्चारण करते हो देन यू विल बी अमेज्ड कैसी चीज़ें आपके हिसाब से बदलती है। So that's it from my side.
होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी इसका अगला पार्ट भी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।